कानपुर महानगर की 10 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 फरवरी तक नामांकन होगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन पर्चे नहीं भरे जाएंगे। 2 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 4 फरवरी को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी गई है। इस बीच कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा का जबरदस्त घेरा बनाया गया है ताकि नामांकन की प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान न पड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 के सत्र का आज पहला दिन है। नामांकन प्रक्रिया के फॉर्म लेने का आपको दिखा देंगे। कानपुर के इस वक्त हम कचहरी में खड़े हैं जहां पर नामांकन के लिए फॉर्म को लिया जा रहा है। प्रत्याशी जो हैं अपने अपने नामांकन पत्र को भरने के लिए यहां से फॉर्म लेने आए। वहीं अगर कानपुर में पुलिस व्यवस्था की सुरक्षा की बात करें तो आपको दिखाएं कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उनकी तैनाती यहां की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी अनहोनी घटना न घट सके। वहीं अगर कोविड नियमों के पालन की बात की जाए तो कोविड नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर की ये तहसील है, यहाँ पर जो है नामांकन प्रक्रिया के फॉर्म को यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी 2 से 3 प्रत्याशी जो हैं वो अपने नामांकन के फॉर्म लेने आए हैं। वहीं अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो की गई है और कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर देखें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। गेट पर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और यहाँ पर जो है जितने भी अधिकारी खड़े हैं वो भी जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे भी बात की जा रही है। यही महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं ताकि जो महिलाएं हैं कानपुर कचहरी के अंदर जा रही हैं, जो यहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी लगाई गई है वो भी यहाँ पर महिलाएं हैं जो वो अंदर आने जाने वाले लोगों से पूछ रही हैं। जो लोग अगर यहाँ पर फॉर्म लेने आए हैं उनके लिए उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और जो बाकी जो लोग हैं उनको दूसरे गेट से यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। ये बात करते हैं यहाँ पर जो अधिकारीगण मौजूद हैं उनसे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा की और कोविड गाइडलाइन का किस तरह से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। सर, किस तरह की कोविड गाइडलाइन किस तरह से यहाँ पालन कराया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो इनर गार्डन है, फिर आइसोलेशन गार्डन, फिर आउटर गार्डन बनाए गए हैं जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है हम लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। हर एक लेवल पर जो है अधिकारी लगाए गए हैं, साथ ही साथ उनको जो है जो भी समुचित पुलिस बल है वो प्रदान किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से हम लोग तत्काल निपट सकें। बहुत सारे जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं उनको हमने बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ भी सुसज्जित किया है ताकि कोई भी बात हो ताकि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद रहे। तो पुलिस व्यवस्था के जो है समुचित इंतजाम जो है हम लोगों ने किए हैं। सर, अभी तक कितने प्रत्याशियों के जो प्रत्याशी हैं कितने लोग अभी तक यहाँ पर फॉर्म लेने के लिए अपने आए हैं और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी यहाँ से दिया जा रहा है कि अपने फॉर्म जो है वो कोविड पालन के चलते कोविड गाइडलाइन के चलते ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे यहाँ से? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म की भी व्यवस्था की है माननीय भारत निर्वाचन आयोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।